देखो इनकी और इनकी भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार आज ना संडे है और आज मैंने बड़ा ही ज्यादा वाला लेट व्लॉग स्टार्ट किया है। रात के ना इस टाइम 10 बज रहे हैं और व्लॉग लेट इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि दिन में व्लॉग बनाने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि मैच तो शाम में था ना। तो आज फाइनल है लाहौर का और मुल्तान का, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएगा कि आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रही हूँ वो भी थोड़ी देर में आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और मैं बनाने लगी थी फ्राइड चिकन, तो मैंने सोचा कि ना साथ साथ मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और साथ साथ आप लोगों को दिखा भी दूँगी। तो अभी हम जल्दी से चल के मैच देखते हैं और साथ में अपना चिकन बनाते हैं। सो लेट्स गो। अरे मज़े अभी अभी ना आउट हुआ है मज़े। और यहाँ पे ना ये देखिए टाइम, अभी टाइम पूरे 10 बज रहे हैं और ये मैच, और अभी अभी ना एक आउट हुआ है मुल्तान का। मज़े मज़े मज़े। और ये मेरा छोटा भाई किस टीम के साथ था? मैं मुल्तान के साथ था। बड़े मज़े आ रहे हैं। आउट हो गया, आउट 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 आउट। मैं लाहौर के साथ हूँ, चलो देखेंगे एंड पे। नहीं आपको पता लाहौर नहीं जीतना है ना जी, फिर किसने जीतना? मुल्तान ने जीतना। मुल्तान ने जीतना, और अगर लाहौर जीत गया तो देखी जाएगी। यकीन जाने अभी मैं किचन के अंदर पहुंची भी नहीं हूँ और एक और आउट हो गया। मतलब यार मजे। उमेर बस कैमरा पे साइड पे। क्यों? क्या हुआ आपको? अब कुछ नहीं, जीतेंगे। कैसे? अच्छा मैंने एक चीज़ सोची है, यहाँ से हम खड़े होकर मैच भी देखते रहेंगे साथ साथ, और किचन में ना हम यहाँ पे ना अपनी साथ साथ चिकन को भी ना मैरिनेट कर लेते हैं, तो साथ साथ हमें ना मैच का भी इस तरह पता लगता रहेगा। और घर में इस टाइम कोई नहीं है, मामा बाबा गए हुए शादी पे और आई थिंक वो आने वाले हैं। तो ये जो चिकन है ना, ये मैंने लिया है ब्रेस्ट का पूरा एक पीस होता है ना बोनलेस, वो मैंने पूरा ही ले लिया। तो अब मैं इसको डाल दूँगी अंदर। डल जा। यस ठीक है। अब ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारी स्पाइसेस मैंने ऑलरेडी निकाल के रख ली थी ताकि ज़्यादा टाइम ना मेरा वेस्ट हो। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने लिया है 1 टीस्पून, मैंने इसमें वाइट पेपर लिया है और पेपरिका पाउडर लिया है मैंने। अच्छा कुछ लोग पेपरिका पाउडर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो सादी वाली कुटी वाली लाल मिर्च डाल लेते हैं, ये पेपरिका पाउडर होता है ठीक है, ये अलहदा से होता है, ये कुटी हुई जो लाल मिर्च है ना वो नहीं होती, पेपरिका पाउडर है ये, वो मैंने लिया इसमें। फिर मैंने इसमें लिया ऑरिगेनो, और फिर मैंने इसमें लिया है 1 टीस्पून लिया है मैंने इसमें सॉल्ट, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लिया है रेड चिली फ्लेक्स ठीक है। सारी चीज़ें 1 टीस्पून लिया है मैंने, तो वो सारी की सारी अब हम इसके अंदर ना ऐसे करके डाल देंगे। ये ना जी हमारे सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो डाल गए हैं। अब इसमें ना एलो मुझे लगता है आ गए हैं मामा बाबा। चलो जी अब हम इसमें डाल देंगे ये लो जी 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया विनेगर। उमेर देखो। अच्छा उसके बाद ना मेरे पास यहाँ पे ना पेरी पेरी सॉस है, तो मैं इसके अंदर ना 1 टेबल स्पून के मुताबिक पेरी पेरी सॉस ऐड कर दूँगी, और ये निकल कोई नहीं रहा तो ना मैं इसको ज़रा निकाल कर। हाँ आ गया 1 टेबल स्पून हो जा। हाँ हो गया ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, बस इतना ही चाहिए था। अच्छा अब ना हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून केचप ठीक है। और ये जो बाहर है ना, बस देख रहे हैं आप लोग आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं क्योंकि मैच की हाइप हो गई है क्रिएट। तो ये देखिए मैंने ऐड कर लिया इसमें, उप्स ये मैंने इसमें ऐड कर लिया केचप। अब ना हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ठीक है। अच्छा मिक्स करने से पहले ना मैं आपको एक मजे की चीज़ बता दूँ, ये मेरे पास ना क्रिस्पी फ्राई का ये कोटिंग मिक्स पड़ी हुई थी, तो ये ना मैंने इसके अंदर ये भी डाल दी, इससे ना हमारा चिकन थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये ना पूरा नहीं मैं डाल रही, जिस तरह पैकेट के ऊपर लिखा हुआ उस तरह नहीं डाल रही मैं, इसके बस 2 टेबल स्पून ना इसके अंदर ऐड कर दूँगी और बस, बाकी हम ना कोटिंग के लिए ही यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून हो गए, अब इसको हम मिक्स करके रख देंगे और उसके बाद हम ज़रा सा पानी ले लेंगे अगर हमें ये सूखा सूखा लग रहा हो और मैरिनेट ना हुआ ठीक है, और फिर ये वाला हम बाद में कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें ना हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करें क्योंकि ज़्यादा सूखा सूखा था, तो बस ऑयल ऐड कर लिया, अब अच्छे से ना ये मैरिनेट हो जाएगा। तो मैं इसको मिक्स करके आती हूँ। अच्छा ये अभी ना हमने इसको मैरिनेट कर दिया, 20 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी ठीक है, और 20 मिनट के अंदर ना ये अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएगा सब कुछ, मतलब फ्लेवर्स आ जाएंगे। उसके बाद हम इसके साथ कोटिंग करिए ना इसको हम फ्राई कर लेंगे ठीक है। तो ये बड़ी आसान सी रेसिपी है, सिर्फ 5 मिनट में जल्दी से मैरिनेशन हो जाती है और बन भी जाती है। अच्छा हमारे साथ आयशा। आयशा आप बताएं आप कौन सी टीम के साथ हैं? मैं लाहौर के साथ हूं। प्रॉमिस? यस। चलो हैंड शेक करें। पक्का लाहौर के साथ हो? तो यार मैच साथ साथ चलते ही रहना है। ये मैरिनेट होके इसको 20 मिनट्स हो गए थे, अब मैंने ना इसके साथ एक अंडा फेंट लिया ठीक है। मैं ना डबल कोटिंग नहीं करूँगी, उसमें बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और अभी मेरा इतना दिल भी नहीं है डबल कोटिंग करने का, तो मैं बस सिंगल ही कोटिंग करूँगी। और उसका मैंने सोल्यूशन पता क्या निकाला है, ये मैंने इसके अंदर अब मैरिनेट करने के बाद ना एक इसमें अंडा ऐड कर रही हूँ, सही फेंट लेना है आपने इसको ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 कप मिल्क,
ये इसमें क्या जी, ऑलमोस्ट हाफ कप, ठीक है, मिल्क ऐड कर लिया हमने। अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अभी मैं एक और मज़े की बात आपको बताती हूँ, ये और बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ना, यहाँ पे मैंने अभी ये क्रिस्पी का लिया था ना, ये क्रिस्पी फ्राई का मैंने यहाँ पे कोटिंग मिक्स लिया था, इसके साथ ना मैंने हाफ कप यहाँ पे फ्लोर लिया, ठीक है। और ये जो फ्लोर मैंने लिया ना, ये मैं अब इसके अंदर मिक्स कर दूँगी साथ में इसके, तो जब ये मिक्स हो जाएगा ना, तो फिर ये कोटिंग ना बड़ी ज़्यादा हमारी क्रिस्पी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये आपने लाजमी ऐड कर देना। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो आप वो भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा 1.5 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे पास अभी वो है नहीं, तो मैंने इसमें सिर्फ फ्लोर ही ऐड किया, ठीक है। अभी मैं इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ, देन फिर इसकी कोटिंग करते हुए मैं आती हूँ। अच्छा जी, तो फ्लोर मेरे गले में चला गया, ये मैंने कर लिया मिक्स, ठीक है। यहाँ पे अब मैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि ये जो है ना चिकन मेरा बोनलेस है, ये देखिए मैंने इसकी छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स काट ली हैं, लंबी लंबी सी, बारीक बारीक सी, ठीक है। इनको मैं ना सेपरेट सेपरेट सबको कोट कर लूँगी। अगर आपके पास चिकन विंग्स है, आप उनके साथ भी सेम प्रोसीजर कर सकती हैं। अगर आपके पास चिकन लेग पीस है, आप उसके साथ भी सेम प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने डबल कोटिंग करनी है ना, तो आपने क्या करना है कि आपने एक बार इसको इसके अंदर डिप कर लेना है, उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से गुजार लेना, ठंडे पानी से गुजारने के बाद आपने फिर इसको इसके अंदर कोटिंग कर लेनी है, ठीक है। अभी मैं ठंडे पानी वाला प्रोसेस नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक ही कोटिंग करूँगी, ठीक है। उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है, और उसके लिए मैंने जो जुगाड़ निकाला है ये एग और मिल्क वाला, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उससे भी कोटिंग जो है ना हमारी काफ़ी थिक हो जाएगी। ये देखें जी, ये मैंने सजा के सारे रख दिए हैं, और ये इस तरह से हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है, ठीक है, अच्छी तरह से प्रॉपर। और उसके बाद हमने इसको साइड पे ऐसे प्लेट में रखते जाना है, ठीक है। जब लग रहे हैं ना चक्के, या लग रहे हैं ना 95/5, क्या क्या चक्के लग रहे हैं, बच गया बच गया, अभी अभी कैच आउट हो जाना था, हमने मारा है तो आपका ना छक्का लगा ना चौका, बच गया, हम भी बच गए, आप भी बच गए। बताओ अब क्या होता करनी है, टीम चेंज नहीं, मैं फिर देख लो, आपको नहीं करनी मैंने, आप चिकन बनाए ना, मेरे बड़े भूख लग रही है। बना रही हूँ। आउट 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 हुआ, मजे, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। हाँ जी मैन, हाँ जी, आप बताएं क्या कहेंगे आप, मुंह क्यों छुपा रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं करते होते, अभी आप कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे जीत जाना हमने, मैं आउट हो गया, मजे ये। अच्छा यार, ये देखें, ये मैंने ना लगा लिया, ये देखें इस तरह करके ना मैंने सारी कोटिंग कर ली है, पूरा का पूरा वो जो पाउडर था ना वो इस पे, एक पैकेट ना, एक पूरे ब्रेस्ट चिकन, दो पैकेट ना वो वाले क्रिस्पी फ्राई के, एक पूरे ब्रेस्ट पीस पे ना आ जाते हैं पूरे, तो ये मैंने लगा दिए यहाँ पे कोटिंग वगैरह करके। और अब हमारे कढ़ाई में ना हम ऑयल डालेंगे, ठीक है, और उतनी देर में जितनी देर में ऑयल गर्म होगा ना, हम जल्दी से ज़रा मैच की सूरत हाल देख के आते हैं। एक और आउट, एक और। अभी तो मैं, मैंने चिकन फ्राई भी नहीं किया अभी, कसम से अभी तो ऑयल डाल के रख के आई हूँ। उमेर उठ जा, सिंगर खिला ले, देख मैं चिकन बना रही हूँ, खिला दे। क्या क्या, किसके साथ हो, किसके साथ हो, लाहौर के साथ हो। अब नहीं, अब नहीं, अब तो हम जीत रहे हैं, ये 7 आउट हो गए हैं। प्रिंसेस अभी जीता कोई नहीं है, 7 आउट हो गए हैं, वो भी पूछ रही है। हाँ जी उमेर, उप्स 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 उमेर। तो भाई 7 आउट हो गए हैं, और लाहौर अनकरीब जीतने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और चिकन हम डाल के देखते हैं, और अभी आई थिंक थोड़ा सा और ऑयल गर्म हो जाए ना, बट कैसा करते हैं डाल ही देते हैं, और फ्लेम जो है ना वो मीडियम है, ये देखें आप लोग ऐसे, हाँ मीडियम फ्लेम है, ज़्यादा हाई नहीं है। तो बस अब मैं इसको डाल लेती हूँ, और फिर डाल के ना जल्दी से मैं आती हूँ। मजे, एक और आउट, शक्लें देखो इनकी और इनकी भी। उमेर कसम से अभी फ्राई अभी डाल के आई हूँ, मैं अभी सिर्फ डाल के आई हूँ, मैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये देखो, ओए 8 आउट, मजे मजे मजे, सिर्फ दो और विकेट्स रहते हैं। अच्छा मम्मा, आप क्या कह रही हो, आपको क्या हो रहा है, मुझे उनके लिए दुख हो रहा है। किसके लिए, वो ताम के काम के लिए, क्यों उन्होंने सारे मैच जीते हैं, सारे मैच जीते थे, मतलब एक ही मैच हारे होंगे लाहौर से, हाँ, और आज की रोज बाद लाहौर से हारे। ओ चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आज कप लाहौर लेके जाएगा, कोई कप नहीं है ना लाहौर के पास, भी होना चाहिए। तो यार बस ये फ्राई हो गए, फिर इसको जल्दी से हम निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यार ये चिकन बिल्कुल फ्राई हो गया है, बस इसको ज़्यादा सा क्रिस्पी करने के लिए मैंने ये हीटर पे, इस वाले पे रखा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक वाला जो है ना वो स्टोव है, वो असल में ना पता है क्या, उस वाले पे ना गैस चली गई थी, तो इस वजह से मैंने इस पर शिफ्ट किया, तो बस ये हो गया और क्रिस्पी भी हो गया। अब मैं बस इसको निकालने लगी हूँ, निकाल के जल्दी से आपको दिखाती हूँ।
ओए ये तो नो आउट हो गया, मुझे पता कैसे नहीं चला। मैं आपको बुला रहा हूं। अच्छा मैं पापा चिकन निकाल रही थी। वाओ नो आउट। हां जी उमेश तुमने मैच नहीं देखना, मुंह बाहर निकालो। किधर है तुम्हारा मुंह? जीत गए जीत गए। मैंने कहा था उमेश मेरे फ्राई करने से पहले हमने जीत जाना है। ये जीत गए उमेश, उमेश हम जीत गए। लिखा गया हिस्ट्री में कि लाहौर कलंदर ने एक पीएसएल जीत लिया। उमेश क्या कहेंगे आप? यार वाह बड़ी ज्यादा खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई तो हमारा जो क्रिस्पी फ्राइड चिकन है वो रेडी है, इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी ली है और लाहौर मैच जीत गया उसके मैं बड़ी ज्यादा खुशी है। और मुल्तान हार गया, कोई बात नहीं यार, आप लोगों ने इतने कप तो ले लिए थे, ये वाला लेके क्या करना था, एक हमें भी दे दो। तो मम्मा इसको खाएं और बताएं कैसा है। ये देखें इतना सॉफ्ट सा है ना, ये बड़ा टेंडर सा बना है। तो टेस्ट कैसा है इसका? बहुत आला है, बहुत मजे का है और इतना क्रिस्पी है। हाँ ये क्रिस्पी ना ज्यादा, वो क्रिस्पी जो कोटिंग होती है ना उसकी वजह से ये ज्यादा क्रिस्पी होता है, क्रंच वाला जो है ना टेस्ट आ रहा है। हाँ तो आपने जो क्रिस्पी कोटिंग है ना वो इसमें ऐड कर लेनी है, कॉर्नफ्लोर भी लाजमी ऐड कर लीजिएगा अगर आपके पास हो तो, इससे भी ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। ठीक है जी तो बस अभी हम इसको जल्दी से खाते हैं और साथ में हमने चाय बनाई है तो साथ में चाय पीते हैं और इसको जल्दी से बस खा लेते हैं। ये देखें जी हमारी चाय भी रेडी है। Cause you don't be satisfied for what we have. We have different dreams.